गुजरात की लड़ाई नीच वाले बयान पर आ गई है, कोट अनकोट नीच का बयान। आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या गुजरात के संग्राम में अब और भी ज्यादा गर्मी आने वाली है? नमस्ते, मैं राशिद। गोपाल इटालिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ कह रहे थे, कहते कहते अब शब्द भी कहने लगे, जबान हल्की हुई, जबान ओछी हुई, जबान छिछली हुई, जबान सतही हुई। और जबान सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, अब शब्द कहते कहते यहां तक भी कह दिया कि नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया है। याद दिलाना हम चाहेंगे कि बीते सालों में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। चाय वाला जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देते हुए ये साबित किया, ये बताया कि अगर उनकी तरफ कोई हथियार आता है तो ये बूमरैंग करके उसी पर अटैक कर सकता है। चूंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खम ठोक रही है, आम आदमी पार्टी ये बार बार कहने में लगी है कि गुजरात में इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की है। पिछले दिनों गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रहे थे, उन्होंने भी बीजेपी पर अटैक किया। लेकिन गोपाल इटालिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल इसकी मुखालफत करेंगे? यानी अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से खेद जाहिर करेंगे या फिर नहीं? सवाल एक और भी है कि ये कोट अनकोट नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बुमरैंग तो नहीं कर जाएगा? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी की बात नहीं हो रही है, अगर नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी को भी ये लगने लगा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देनी है तो फिर अपने जबान का स्तर इतना नीचा किया जाए? सवाल बहुत बड़ा है। जहां पर आप राजनीतिक आदर्शों की बात करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं भी किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी निंदा की है। और प्रधानमंत्री, याद रखें, गोपाल इटालिया जी सिर्फ आपके नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। और अगर पीएम का इकबाल बुलंद है तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात होती है। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।